Hi guys, this is Abhinav Krishan, Dog Daddy, on TUC signing in. आज हम बात करेंगे फीमेल डॉग्स के बारे में. मैंने अक्सर देखा है, आपने भी अक्सर देखा होगा कि नॉर्मली डॉग्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, मेल और फीमेल. लेकिन लोग अक्सर मेल डॉग्स को ही अडॉप्ट करते हैं, फीमेल डॉग्स को अडॉप्ट नहीं करना चाहते. इसके पीछे कारण एक सिंपल सा है कि दे डोंट वॉन्ट टू, जो उनका मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है उस पीरियड को फेस नहीं करना चाहते, जो उनका ईस्टर साइकिल होता है, जो हीट साइकिल होता है. आज मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ आपसे कि जो हीट साइकिल है वो होती क्या है. फीमेल की हीट साइकिल वो होती है दैट टाइम दे आर ब्लीडिंग, उसके 10 डेज बाद वो क्रॉस करने के लिए रेडी होती है, एंड दैट हैपन्स आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ देयर एज और 9 मंथ्स ऑफ देयर एज. हर ब्रीड का हीट साइकिल अलग होता है. स्मॉल ब्रीड्स का थोड़ा जल्दी आ जाता है, मेगा ब्रीड्स का, जो बिग ब्रीड्स होती हैं जैसे कि मैस्टिफ्स हो गए, उनका कई बार हीट साइकिल 12 महीने के बाद होता है. सो देर इज लॉट ऑफ डिबेट ऑन दिस थिंग दैट, कि बस कई बार क्वेश्चंस आते हैं कि भैया हाउ टू टेक केयर ऑफ अ फीमेल डॉग ड्यूरिंग हीट साइकिल. आपको तीन चीज़ें याद रखनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल, हीट साइकिल पे आपने डॉग को मेल डॉग से अलग रखना है. जो आपकी बिच होगी उसको आपको अलग रखना है मेल डॉग से. उसके जो वेजाइनल एरिया है उसको क्लीन रखना है, उसके जहाँ वो बैठती है उस जगह को क्लीन रखना है ताकि वहाँ पे ब्लड इकट्ठा ना होते रहे. यू हैव टू कीप ऑन सैनिटाइजिंग द एरिया फिनाइल से, पोछे से, विनेगर से, सैनिटाइजर से. यू हैव टू क्लीन दैट एरिया, जो फ्लोरिंग जहाँ वो बैठती है, ताकि इन्फेक्शन के चांसेस ना हो. थर्ड थिंग, अपने डॉग को अगर आप बाहर लेके जा रहे हैं तो खुला नहीं छोड़ना है. रीज़न बिहाइंड, आपका डॉग कितना भी लॉयल हो और अगर वो हीट साइकिल पे है तो वो मेल्स के पास जाएगी ही जाएगी. सेम गोज फॉर मेल डॉग्स, वो भी हीट साइकिल पे फीमेल्स के पास अपने आप अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि इनके फेरोमोन्स जो रिलीज होते हैं वो ब्लीडिंग के बाद ही रिलीज होते हैं. एंड दैट टाइम मेल डॉग्स गेट टू नो यूरिनेशन से फीमेल्स की कि वो अवेलेबल हैं अभी. सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट थिंग. आप फीमेल लाइए, फीमेल डॉग्स जो होती हैं किसी ब्रीड की लाइए, वो मेल डॉग्स से ज़्यादा बेटर होती हैं. मैं आपको अभी बता रहा हूँ, देयर इज अ रीज़न बिहाइंड दैट. दे आर मोर प्रोटेक्टिव, मोर सेंसिबल, मोर पेशेंट, एंड दे आर नॉट दैट एग्रेसिव कंपेयर्ड टू मेल्स. दे लिसन टू यू लॉट, एंड उनकी ब्रेन की डेवलपमेंट भी ज़्यादा होती है. कई बार मैंने सुना है कि ब्रीडर कहता है कि भैया मेल आपको सस्ती मेल आपको महंगा मिलेगा, फीमेल आपको सस्ती मिल जाएगी. लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं करना चाहिए. जबकि फीमेल है, फीमेल को आप लीजिए, ज़्यादा लाइफ दीजिए अच्छी. और क्रॉसिंग करवाना चाहते हैं अगर आप अपने डॉग की, फीमेल डॉग है आपके पास, मेक श्योर कि वो साल में एक बार क्रॉस करें, दो बार नहीं. हीट साइकिल हर 6 महीने में आती है और वो एटलीस्ट फॉर 21 डेज रहती है. सो मेक श्योर यू आर हैविंग अ फीमेल डॉग, देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ हर. दिस इज डॉग डैडी अभिनव कृष्ण साइनिंग आउट फ्रॉम TUC. बाय बाय.